अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। चाहेंगे विजय जी, आज पुतला का जो दहन आप लोग किया है, दया प्रकाश सिन्हा जिनको कि भारत सरकार ने पद्म श्री और तमाम सम्मान दिया है, उन्होंने महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक को के प्रति गलत टिप्पणी की है, भद्दी टिप्पणी की है, जो कि बिहार के स्वाभिमान को चोट पहुंचाया है, राष्ट्र के सम्मान को चोट पहुंचाया है, और राष्ट्र के सम्मान को अपमानित करना, पूरे देश को अपमानित करना, राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित करना, यह अशोभनीय है। और इसी के खिलाफ हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि दया प्रकाश सिन्हा को जो भी पुरस्कृत किया गया है, जो भी अलंकार दिए गए हैं, पद्म श्री या पद्म विभूषण जो भी दिया गया है, उनसे वापस ली जाए और तुरंत अविलंब कार्रवाई करते हुए वो जो पुस्तक लिखे हैं सम्राट अशोक, उस पर पाबंदी लगाते हुए उसके प्रकाशन पर रोक लगाई जाए, और साथ ही उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, क्या टिप्पणी किया उन्होंने जैसा? उन्होंने महान सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से की है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कामुक, क्रूर, पापी शब्द का उनके प्रति प्रयोग किया है, जो कि राष्ट्र का अपमान है। जो राष्ट्र उनके प्रतीकों को अपना करके राष्ट्रीय प्रतीक माना गया, अशोक चक्र को, अशोक स्तंभ को, और उन्हीं के खिलाफ इस तरह का अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना, ये राष्ट्र का अपमान है, और हम लोग कभी राष्ट्र के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उनका दया प्रकाश सिन्हा का पुतला का दहन किया गया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से हम लोग मांग करते हैं कि दया प्रकाश सिन्हा पर अविलंब कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं की जाती है तो हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करते हुए सड़क पर उतरेंगे और तरह तरह के आंदोलन करेंगे। देखिए, दया प्रकाश सिन्हा जी ने जो गलत टिप्पणी दिए हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के खिलाफ, उनके चाहने वाले लोग हैं हम लोग। अगर कोई उनके गलत टिप्पणी देगा, उसी के खिलाफ हम लोग आज JP चौक पर उनका पुतला दहन किए हैं। तो उनसे कुछ और भी डिमांड आप लोगों ने किया? हमारे डिमांड है भारत सरकार से, जो राष्ट्रपति जिन्हें जो पुरस्कृत पुरस्कार दिया है, उनको भारत सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे इस शहर में, यहाँ नहीं पूरे बिहार में। आज कार्यक्रम हो रहा है समता परिषद के बैनर तले, पूरे बिहार में हो रहा है। क्या कहेंगे? दया प्रकाश सिन्हा जी ने जो सम्राट चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी पर जो टिप्पणी किए हैं, वह बहुत बहुत निंदनीय है। उसके टिप्पणी को भारत की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। जो सम्राट अशोक उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के दिए हुए दिशा निर्देश पर कोई भी सरकार हो चल रही है,
जो योजना पशु के लिए पहले चिकित्सालय खोलने से लेकर जो चीज सम्राट अशोक ने दिए हैं वही आज भी हो रहा है। अब उनको उन पर जो गंदी टिप्पणी की करने का जो उन्होंने सोचा है वह भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरे बिहार में और पूरे देश में समता फूले समाज भी जगह जगह ये उनकी पुतला का दहन कर रहा है। तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि उनकी जो सम्मानित पद से सम्मानित किया गया है उनको उनकी उनको जो पद भूषण दिया गया है उसको भारत सरकार वापस ले। जब तक उनकी पद भूषण वापस नहीं होगा तब तक समता फूले समाज और पूरे भारत की जनता इनके विरोध में आंदोलन छेड़ेगी। पूरे भारत में आंदोलन होगा और सभी लोग पूरे भारत के लोग इस मांग कर रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि जो दयाशंकर सिन्हा जी हैं वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं अशोक सम्राट के ऊपर, जो गलत है उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और माननीय देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब उनका जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है उसको वापस लिया जाए और देशद्रोह का मुकदमा उन पर किया जाए। विपिन जी क्या कहेंगे? जो व्यक्ति IAS के पोस्ट पे हो करके और उस महान विभूति को जो इस देश के नाम यहाँ से लेकर के कंधार आप देखिएगा तमाम चीज़ें जो थी और वहाँ तक फैला हुआ था और उसमें इन्होंने ऐसा टिप्पणी किया है कि उनका औरंगजेब की तरफ व्यवहार था, बिहेव था, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करेंगे भारत सरकार से कि उन पर देशद्रोह की मुकदमा दर्ज किया जाए और उनका जो पुरस्कार अभी जो सम्मानित किया गया था वो वापिस लिया जाए। धन्यवाद। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहाँ एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिम्पल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।